हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में हम पालक के पत्ते के पकौड़े बना रहे हैं। इसके लिए हमने पालक को धो लिया है, 3-4 बार पानी से धो लिया ताकि बिल्कुल रेता ना रहे इसमें। और एक एक पत्ता लेकर हमने इसके पकौड़े बनाए हैं। इसके लिए हमने पहले घोल तैयार करा। एक बाउल में 2 बाउल बेसन लिया, 2 कप समझ लीजिए आप मेजरमेंट, अगर और बड़े चम्मच लें तो 8 चम्मच लेने। बेसन को हम जो हैं फेंट कर बनाएंगे तो ये बहुत फ्लफी बहुत अच्छे बनेंगे। इसमें 2 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर या अरारोट डाल सकते हैं, इससे इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है। 2 पिंच सोडा डाला है ताकि ये बैटर फ्लफी हो। 1/2 चम्मच इसमें ज़ीरा डाला, 1/2 चम्मच नमक डाला, 1/2 चम्मच पिसी लाल मिर्च डाली और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। इसे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ घोल बना लिया, जैसे हम पकौड़ियाँ डिप करने वाला घोल बनाते हैं आलू की पकौड़ी का, वैसे ही सेम बनाना है। इसको अच्छी तरह फेंट लें, जितनी अच्छी तरह फेंटेंगे 5 से 8 मिनट या 10 मिनट, ये उतने फ्लफी अच्छे बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि घोल बहुत मोटा मोटा ना लगे पत्ते पर, तो आपको इसको अच्छी तरह फेंटना पड़ेगा। और इधर हमने 2 चम्मच चावल के आटे में थोड़ी सी चुटकी ज़ीरा साबुत डाला, थोड़ा सा ही चुटकी नमक, थोड़ी सी चुटकी मिर्च डाली है और थोड़ी सी चुटकी हल्दी। इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। ये जो है हम ऊपर से कोटिंग कर करके डिप करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी करारे बनेंगे। हमने एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डाला है और इसमें हम चुटकी नमक डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है पकौड़े बहुत ज़्यादा तेल नहीं पीते हैं और बहुत ही क्रिस्पी करारे भी बनते हैं। आप जब भी कुछ तलने का काम करें नमकीन, तो आप ये ट्रिक आजमाएं, बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देता है। इधर हमने पूरा पूरा एक पत्ता लिया है, उसको पहले चावल के आटे में से कोट करा, फिर हमने बेसन के घोल में डिप करा और इसको एक्स्ट्रा जो घोल था वो हटाकर और गरम तेल में इसको फ्राई करने डाल दिया। सादा भी आप डाल सकते हो, चावल के आटे के बिना भी, और चावल के आटे के साथ डालोगे तो ज़्यादा क्रिस्पी करारे बनेंगे। बड़े मज़े के बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। आप इसको बहुत ही मीडियम हीट पर इसको फ्राई करें, देखिए कैसे फूल गया। ऐसे ही ये सब फूलेंगे अगर आप मेरे मेजरमेंट से बनाएंगे और मेरी रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे। बहुत कुरकुरे करारे बनते हैं, मस्से के भी बहुत होते हैं और पालक का ताकत भी मिलती है। पालक में तो पहले ही बहुत ज़्यादा आयरन होता है। इनको अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे कर लें। ऐसे ही हम सारे पत्ते जितने हमें चाहिए उतने डिप कर करके फ्राई करके बना लेंगे। आप इसको ऐसे ही केचप वेचप के साथ भी सर्व कर सकते हो, नहीं तो इसकी चाट बाकायदा बनती है, दही खट्टी मीठी चटनी डालकर थोड़े से चने वने, वो भी बना सकते हो। दोनों तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत मज़े के ये पकौड़े तैयार होते हैं और देखिए कैसे फ्लफी है ये।